दाल मखनी ये कहानी शुरू होती है मनोरमा के घर से मनोरमा जी का परिवार एक छोटा सा परिवार था जिसमें पति एक बेटा और एक बेटी थे चार लोगों के इस छोटे से परिवार में प्यार बहुत था मनोरमा अपने माई के पक्ष और अपने ससुराल पक्ष के दूर दूर के भी रिश्तेदारों से संबंध बनाकर रखती थी एक दोपहर खाने के टेबल पर पूरा परिवार साथ में लंच ले रहा था कि तभी मनोरमा जी का फोन बजता है खाने के वक्त तो फोन को छोड़ दीजिए कौन है अब इस वक्त एक का फोन रखती है तो दूसरे का फोन आ जाता है हाँ ना करूँ बात आप और आपका बेटा तो काम पर चले जाते हैं आपकी बेटी कॉलेज पीछे से मेरा मन कैसा लगता है इन्हीं रिश्तेदारों से बात करके ना जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप लोगों से पहले मेरे पास के रिश्तेदार यहाँ पहुंच जाते हैं फोन काट किया मम्मी हाँ यही तो तेरे पापा चाहते थे खून चला देते हैं इंसान का कभी पूछा नहीं कि मनोरमा क्या मन है तुम्हारा सुबह से उठकर इतना खाना बनाती हूँ सभी के लिए पर इनको तो मेरे बात करने से भी प्रॉब्लम है तभी मनोरमा का फोन फिर से बचता है और इस बार मनोरमा फ़ोन उठा लेती है हेलो मामी जी कैसी हैं आप रोहन की शादी के लिए कुछ सोच रही है कि नहीं तू मेरी नज़र में एक लड़की है बहुत अच्छी है बात चलाऊं क्या उसके घर वालों से मुझे पूरा विश्वास है ये लड़की तेरे मामा जी को दाल मखनी बनाकर खिला ही देगी और उनकी बरसों की नाराज़गी दूर हो जाएगी क्या मामा जी अभी दाल मखनी पर अटके हुए हैं मुझे लगा वो सब भूल चुके हैं मैं तो आज उन्हें फ़ोन करने वाली थी रिटायर करनाल हैं वो एक बार उनको कुछ पसंद आ जाता है तो आ जाता है एक बार वो पंजाब में थे तब किसी बावरची ने उन्हें ऐसी दाल मखनी खिलाई कि उसके बाद उन्हें वही दाल मखनी खानी थी हमारा अपना तो कोई बच्चा है नहीं गणेश से बहुत उम्मीद थी तेरे मामा जी को कि उसकी पत्नी को उनके लिए वैसी ही दाल मखनी बनाएगी पर तू वैसी दाल मखनी बना नहीं पाई अब तो बस रोहन की होने वाली बीवी से उम्मीद है ये सुनते ही मनोरमा घबरा जाती है क्या वो मम्मी क्या बोल रही थी दादी जी अरे तेरी शादी को कह रही थी उन्हें अभी उम्मीद है कि मामा जी को कोई ना कोई दाल मखनी खिलाई देगा रोहन की मम्मी लड़की को फाइनल करने का क्राइटेरिया हम यही रख देंगे कि लड़की अच्छी दाल मखनी बनाए क्योंकि वैसे भी मामा जी के आगे पीछे कोई है नहीं अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो सब कुछ हमारे बेटे को ही देकर जाएंगे। उनकी नाराज़गी खत्म करने का यही एक जरिया बचा है हमारे पास लड़की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी पापा लड़की ढूंढ रखी है मैंने हम पाँच साल से एक दूसरे को जानते रमा नाम है उसका मैं शादी करूँगा तो रमा से ही करूँगा सोच लो भैया रमा या पच्चीस करोड़ की प्रॉपर्टी अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो फिर मैं कमारा ही रह लेता हूँ ठीक है ना मम्मी अरे ऐसी बात मत कर बेटा हाथ आारा इतना बड़ा मौका चला ना जाए जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा मैंने आप लोगों से एक ही तो इच्छा जाहिर की वो भी पूरी नहीं होने देंगे आप लोग अच्छा ठीक है ठीक है तो रमा को लेकर आ जा हम उसे ना पहले खाना बनाना सिखा देंगे दोनों परिवार आपस में मिल लेते हैं जहाँ मनोरमा कहती है खाना बना लेती हो रमा तुम ऐसी कोई डिश नहीं जो मेरी बेटी ना बना सके रोहन तो खाता ही रहता है रमा की हाथ का खाना चाइनीज हो इटालियन हो बंगाली, पंजाबी हर तरह का फूड बनाना जानती है मेरी बेटी फिर तो डन करते हैं मम्मी क्यों और बिना देरी किए मनोरमा रमा को अपनी बहू बनाकर ले आती है अपने लहंगे को सरा ऊपर कर रमा अपना दाहिना पैर अपने ससुराल में रखने ही वाली होती है कि मनोरमा बोल पड़ती है दो दिन बाद तेरे मुंह दिखाए करने तेरे मामा ससुर आएंगे बेटा अब तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है तू ही उनसे हमारे रिश्ते को फिर से गहरा कर सकती है पच्चीस करोड़ की प्रॉपर्टी की बात बोलो ना मम्मी ये रिश्ते का क्यों बोल रही हो भाभी को दाल मखनी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी। आपने अभी तक रमा को जाना नहीं है अपनी पहली रसोई की तैयारी करने रमा किचन में जाती है आपको खाने में क्या पसंद है पापा जी क्या बना लू पहली रसोई में दाल मखनी बना लो बेटा इससे तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हाँ रमा दाल मखनी बना लो आखिरकार पच्चीस करोड़ की प्रॉपर्टी की बात है और तुम अगर मामा जी को खुश कर दोगी तो कम से कम दस करोड़ का हिस्सा तो तुम्हें मिल ही मैं जाता हूँ और सारी सामग्री लेकर आता हूँ पूरा घर मिलकर रमा को दाल मखनी बनाने में मदद करने में जुट जाता है कुछ देर बाद रमा दाल मखनी तैयार करके सभी के सामने परोसती है ओह ये तो तूने रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी बना दी बेटा ऐसी दाल मखनी तो मैंने न जाने कितनी बार मामा जी को बनाकर परोसी है पर वो इस तरह की दाल मखनी को अपने होठों से भी नहीं लगाते ये पंजाबी स्टाइल दाल मखनी है मम्मी जी और दाल मखनी तो ऐसी ही बनती है और अगर मामा जी को दाल मखनी ये वाली पसंद नहीं आएगी तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी दाल मखनी खा कर बैठे हुए हैं की बात में दम तो है रोहन की मम्मी मैं तो कहता हूँ तुमसे कि मामा जी दो दिन बाद आने वाले हैं हम आज रात तक मामी जी को बुला लेते हैं मामी जी को इतने दिनों में अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि मामा जी कौन सी दाल मखनी पसंद करेंगे मैं और रोहन जाकर मामी जी को ले आते हैं तब तक बहुत तो दो चार स्टाइल की दाल मखनी बना कर रख लें रात को सारी स्टाइल की दाल मखनी मामी जी को टेस्ट करवा देंगे और ऐसा ही होता है दुनिया में जितनी तरह से दाल मखनी बनाई जा सकती थी रमा वो सारा स्टाइल फॉलो कर लेती है कभी लाल चने डालकर कभी काले चने डालकर कभी उड़द दाल डालकर तो कभी चने डालकर और ऐसी दस तरह की वैरायटी वाली दाल मखनी बनाकर रमा रात को टेबल पर परोसती है और थक हार कर मैथिली के सामने वाले चेयर पर हाथ पैर पसार कर बैठ जाती है जिसे देख मैथिली कहती है मेहनत तो बहुत की है बहू तुने इतने तरह की दाल मखनी भी बनाई मुझे तो लगता है इसमें से एक ना एक तो पास हो ही जाएगा और पास नहीं भी हुई ना मामी जी तो इससे और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी एक कर मैथिली सारी कटोरियों में से दाल मखनी चकती है सारी की सारी वैरायटी की दाल मखनी खाने के बाद इतने सालों में न जाने कितने कुक को रखे हैं मैंने अपने घर पर पर उनमें से किसी के भी हाथों की दाल मखनी तेरे मामा जी को पसंद नहीं आई बेटा ये सारी वैरायटी की दाल मखनी मैंने पहले भी चख रखी है इनमें से उनकी वो डिफरेंट वाली दाल मखनी तो कोई भी नहीं लगती मुझे कोई बात नहीं एक दिन का वक्त है हमारे पास उसमें बीस पच्चीस और वैरायटी के दाल मखनी तो बना ही लेगी रमा क्या रमा बना लेगी ना ये सुनते ही रमा बेहोश हो जाती है दाल मखनी के चक्कर में रमा का तो दाल निगल चुका था और चने पीस चुके थे अब फिर से दाल की वैरायटी बनाने की बात सुनते ही इसका भी होश होना तो लाजमी था अगले सुबह और कैसे बनती है दाल मखनी भाई इतनी सारी वैरायटी की दाल मखनी बना दी उसमें से भी कोई मामा जी की फेवरेट नहीं निकली अब कैसे दाल मखनी बनाओ एक तो कल से कुछ खाया नहीं घूम फिर कर दाल पीने बैठा देते हैं मुझे आज से मैं कुछ नहीं बनाने वाली नॉर्मल सी प्लेन दाल बना देती हूँ और चावल हो गया बस और मखनी मैं नहीं ट्राई कर सकती घर पर जिसे खाना होगा ये दाल चावल खा लेगा नहीं तो बाहर से मंगवाए और सुबह सुबह ही गुस्से में रमा प्लेन दाल और चावल बनाकर किचन से बाहर निकल जाती है और फिर आता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था गंभीर मामा अपने भतीजी के घर पहुंचते हैं उसे देखते ही सभी उसके आगे पीछे ऐसे भागने लगते हैं मानो वो अपने साथ ही जायदाद के कागज लेकर आए हो अरे रोहन की मम्मी देखो मामा जी आ गए पैर छो इनके मैथिली जी कह दीजिए इस लड़के से मैं इससे मिलने नहीं आया हूँ यहाँ मैं तो बस अपने भांजे के बेटी की, की दुल्हन को आशीर्वाद देने आया हूँ पापा मम्मी से बात मत कीजिए मामा जी रखिए अपनी नाराज़गी बरकरार पर मुझसे और पूजा से तो नाराज़गी नहीं है ना अब चलिए अंदर रमा आपके इंतज़ार में बैठी है बहू मामा जी आगे जल्दी से खाना लगाओ ये सुनते ही रमा के ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है दाल से नफ़रत हो गई है इतनी तरह की दाल बनवा लिए इन लोगों ने मुझसे उसमें से कोई फाइनल नहीं हुई अब कौन सा फिर से दाल मखनी बनाकर जंग जीत लूँगी मैं तभी रमा फ्रिज खुलती है जहाँ उसकी नज़र पिछले दिन की बासी दाल पर पड़ती है उसे देखते ही वो सोचती है दाल तो मामा जी ऐसे भी रिजेक्ट करने वाले हैं तो क्यों मेहनत करो भई ऐसे ही कल ही तो नेल पेंट लगाया है मैंने यही दाल परोस देती हूँ रमा फ्रिज से बहुत सारा बटन निकालती है और दाल के ऊपर डाल देती है और एक ताज़ा ताज़ा छौंक लगाकर उस दाल को बाहर मामा जी के पास ले जाती है आ, दाल अट्ठाईस साल पहले वो दाल मखनी खाई थी मैंने उसके बाद कभी वैसी दाल मखनी खाने मुझे मिली नहीं मैं थीली ने भी न जाने कितने रेस्टोरेंट की दाल मखनी घर पर मंगवाए पर वो स्वाद मुझे आया ही नहीं कोई विश्वास नहीं करेगा पिछले बारह सालों से दाल छुआ भी नहीं मैंने पर ये खाऊंगा क्योंकि मेरी प्यारी बहू लेकर आई है तो टेस्ट करना तो बनता ही है और जैसी गंभीर उस दाल को टेस्ट करते हैं अरे वाह 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 वा। यही तो है वो दाल मखनी जो मुझे खानी थी मैं थे ले मेरा चेकबुक लेकर आओ कम से कम पाँच लाख एक रुपया तो मैं अपने बच्चे के हाथ में ही और क्या था वो चमत्कार हो जाता है जो किसी ने ना सोचा था दाल मखनी खाने के बाद गंभीर इतना खुश हो जाता है कि अपनी जायदाद रमा के नाम करके चला जाता है